जन सरोकार टॉक के इस मंच पर मैं नीरा जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? मैं नीरा जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं देवेंद्र जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया और हमें बहुत खुशी हो रही कि हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे। मैं आज आपको अपनी कविताएं, गज़ल, नज्म सभी सुनाऊंगी और संवाद करूंगी आपसे हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श को हम कैसे देखते हैं और नारी लेखिकाओं का महिला सशक्तिकरण में क्या योगदान है। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कमेंट करके बताएंगी प्लीज। आप सभी लोग जुड़ते जाएं, फिर हम शुरू करेंगे अपना ये काव्य पाठ। तो लोग जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो मैं अपना परिचय पहले मैं आपको दे देती हूँ। मैं नीरा जैन जयपुर से हूँ और लेखन का कार्य मैं विगत 8 वर्ष से कर रही हूँ और आकाशवाणी में भी मैं एज ए अनाउंसर जुड़ी रही 7 साल और बहुत सारी वार्ताएं दूरदर्शन रेडियो में प्रकाशित हो चुकी हैं मेरी। और अभी फिलहाल मैं लेखन में व्यस्त हूँ। मन समंदर मेरा पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, साहित्य अकादमी से इसको सहयोग राशि मिल चुकी है। तो मेरी मोटिवेशनल और नारी पर ज़्यादा कविताएं मिलेंगी मन समंदर में। और एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी मैं एनजीओ के साथ जुड़कर निरंतर महिलाओं के लिए कार्य कर रही हूँ। सर्व समाज महिला उत्थान संस्थान से मैं जुड़ी हूँ, अनिता मिश्रा जी इसकी संस्थापक है और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। महिलाओं के लिए हम कैसे कितना अच्छा कर पाएँ, उनके साथ खड़े हो पाएँ, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर पाएँ, तो एक इच्छा मन में रहती है। लिखने के साथ साथ लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ करें भी। आप सभी जुड़े, मुझे कमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। आप सभी जुड़ते जाएं तब मैं अपना शुरू करूंगी काव्य पाठ। और मैं बात करूं अपने पिता डॉक्टर रमेश जैन की, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे पिता प्रोफेसर रह चुके हैं कोटा यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की, अब रिटायर्ड हो गए हैं। तो उनसे निरंतर लेखन सीखती रही, घर का माहौल भी ऐसा मिला, तो आज जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ और उन्होंने मुझे इतना बनाया, इतना संबल दिया, तो मैं बहुत प्रेरणा का स्रोत मानती हूँ। फेसबुक पर मैं जब 2013 में आई थी तो मैं स्त्री लेखन को मतलब इतना स्त्री कविताएं लिख रही थी उस समय, उनमें एक नया आत्मविश्वास देखने को मिला, अपनी बात किस तरह से आगे रखती हैं वो, और बहुत बड़ी चीज़ है कि स्त्रियां लिख रही हैं, आगे आ रही हैं। तो फेसबुक पे भी बहुत मतलब साथियों ने सकारात्मक एक माहौल दिया, मोटिवेट किया, जिससे हम आज आगे बढ़े और काफ़ी अच्छा लगा। मैं देवलाल जी को देख पा रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कमेंट आ गया कविता माथुर जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कविता माथुर जी का सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है मुझे। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है काव्य पाठ, कविता स्टार्ट करती हूँ। कविता का शीर्षक है हमारा आज। मैं ये जो कविता सुनाने जा रही हूँ, कविता का शीर्षक है हमारा आज। हमारा आज दूसरों की मोहब्बत और दुआओं का नतीजा है। हमारा आज बीते कल की बुनियाद पर ही तो खड़ा है। हमारा आज बीते कल से बेहतर होता है। कल ही तो मिली थी खुशी और चुनौतियाँ, और आज मैं आ चुकी हूँ उस जगह
जहाँ से बीते कल को याद किया जा सकता है। मैं आज की इस खिड़की से आने वाले कल की ओर झांकती हूँ तो मुझे सिर्फ उम्मीद और रोशनी की किरण दिखाई देती है। जीवन की राहों में कहीं गुनगुनी धूप तो कहीं तूफान मिलेंगे, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन मैं अपना रास्ता बना लूँगी। मुझे मिलेगा खुला आसमां जहाँ पर सिर्फ उजाला होगा। मैं आज आने वाले कल की राह पर निकल पड़ी हूँ। थैंक यू कविता माथुर जी, थैंक यू सो मच देवीलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएं तो बस मैं अपना निरंतर काव्य पाठ करती हूँ। अगली कविता का शीर्षक है नहीं मानूंगी हार। ये महिला सशक्तिकरण पर मैंने बहुत लिखा है तो नारी पर ज्यादा कविताएं मिलेंगी। नहीं मानूंगी हार, राह की मुश्किलों से हार मान लूं यह संभव नहीं। चलना है मुझे निरंतर, नहीं मानूंगी हार मैं राह की मुश्किलों से। मुझे मंजिलों को है पाना, रास्तों से है मुझे प्यार। बदल रही हूँ मैं अब और निकल पड़ी हूँ अपनी पहचान बनाने। नहीं नहीं ठहरूंगी अब मैं, एक उम्मीद अभी है बाकी। नहीं ठहरूंगी अब मैं, एक उम्मीद है बाकी। सपनों की उड़ान लिए चलना है एक नए सफर में, एक नई उम्मीद, एक नया हौसला, एक नए विश्वास के साथ मेरे अरमानों को पंख मिलेंगे। वो सुबह ज़रूर होगी जब नया आसमां नई जमी होगी। और रामेश्वर जी चौधरी मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, थैंक यू, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू कविता मैम, थैंक यू। एक छोटी सी कविता है स्त्री पर। मैंने अपने खालीपन को आसमान से भरा, मैंने अपने खालीपन को आसमान से भरा और आसमान को एक और आसमान से। तब से मेरा खालीपन बादलों सा है, बारिश से लबालब। तब से मेरा खालीपन बादलों सा है, बारिश से लबालब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीना मैम, थैंक यू सो मच वीना करमचंदानी मैम, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है मुझे। अगली कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, कविता स्त्री पर है। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, जज्बातों में बहना जानती हूँ, तूफानों से लोहा लेना जानती हूँ। हाँ मैं स्त्री हूँ, प्रकृति मुझसे रोशन है, प्रकृति मुझसे रोशन है, सारी सृष्टि मुझ पर निर्भर है, मातृत्व मुझसे है, नेतृत्व मुझसे है, जगत का आधार हूँ, ममता की पुकार हूँ। मैं स्त्री हूँ, रिश्तों का आधार हूँ, शक्ति का संचार हूँ, पवित्रता का मैं माप हूँ। मैं स्त्री हूँ, तपस्या का सार हूँ, जग की पालनहार हूँ, संगीत का सुर हूँ, कलाओं का ज्ञान हूँ, उम्मीद हूँ, इंतजार हूँ, प्रेम की पहचान हूँ। मैं स्त्री हूँ, समाज की पतवार हूँ, निर्मलता की धार हूँ। मैं स्त्री हूँ। थैंक यू सो मच रामेश्वर चौधरी जी, आपका शुक्रिया वीना मैम, कविता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अगली कविता सुनाने जा रही हूँ, कविता का शीर्षक है उम्मीद। थैंक यू। उम्मीद, उम्मीदों के दामन में जीवन का बसेरा होगा, उम्मीदों के दामन में जीवन का बसेरा होगा, खामोशी के आंगन में खुशियों का सवेरा होगा, मुश्किलों और उलझनों में जब राहें न दिखती हो, मुश्किलों और उलझनों में जब राहें न दिखती हो, हाँ अपनों से दो बातें कर जीवन से अंधेरा दूर होगा, हाँ अपनों से दो बातें कर जीवन से अंधेरा दूर होगा, उम्मीदों के दामन में जीवन का सवेरा होगा। रिश्तों के इस एहसास न हो, रिश्तों के इन बंधन में अगर एहसास न हो, छोड़ो सब चिंताएं, हर पल सुनहरा होगा, संकल्प और संघर्षों में विश्वास जगत का पाना है, संकल्प और संघर्षों में विश्वास जगत का पाना है, नई सुबह फिर आएगी, नया एक सवेरा होगा, नई सुबह फिर आएगी,
नया एक सवेरा हो गया, नया विश्वास जगाना है, हाँ यूँ आगे बढ़ते जाना है। सावित्री मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कविता माथुर मैम आपके कमेंट्स। जी बिल्कुल कविता मैम बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं एक गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ। गज़लें मैंने बहुत कम लिखी लेकिन मोटिवेशनल गज़ल है, मोटिवेशनली ज़्यादा लिखती हूँ, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ कर देना। जी छूट जाए सब मगर भरोसा तो न छोड़िए, छूट जाए सब मगर भरोसा तो न छोड़िए, जिंदगी की मन से यूं न एक आस तो छोड़िए, जिंदगी की मन से यूं न एक आस तो छोड़िए। राहें लग रही कठिन हौसला भी अगर कम है, राहें लग रही कठिन अगर हौसला भी कम है, राहें चलते ही चलो उम्मीद तो न छोड़िए, हाँ राहें चलते ही चलो उम्मीद तो न छोड़िए। इंसान की इंसान से बढ़ रही दूरियाँ, हाँ इंसान की इंसान से बढ़ रही दूरियाँ, दूर से ही मगर प्यार का बंधन तो न तोड़िए, दूर से ही मगर प्यार का बंधन यूँ न तोड़िए। यह उसूलों की डगर तो, यह उसूलों की डगर तो धार है तलवार की, मंजिलों पर कदम है पर कोशिश तो न छोड़िए, हाँ मंजिलों पर है कदम पर कोशिश तो न छोड़िए। उम्र तो यूँ गुजरी मगर क्या क्या ख्वाहिश पूरी हुई, हसीन है ये जिंदगी यूँ आस तो न छोड़िए, हाँ हसीन है ये जिंदगी यूँ आस तो न छोड़िए। वीना मैम कविता मैम आपके इतने अच्छे मोटिवेशनल कमेंट्स आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप निरंतर मेरे साथ बने हुए हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, थैंक यू। कविता हम कविता लिखते हैं, कविता की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि संवेदनशीलता का, कवि का संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी लिख देना कविता नहीं है। अगर हम कमज़ोर के साथ खड़े हैं, दूसरों की हित की बात कर रहे हैं तो कविता वो है। दूसरे के दर्द को समझें, उसको अभिव्यक्त करें, वो लिखना बेहतर होता है। मैं इंदु सक्सेना की कविता, इंदु जैन मैम की कविता कोट कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर उन्होंने लिखा है। जब इंसान हद से बढ़कर हिम्मत करता है, जब इंसान हद से बढ़कर हिम्मत करता है, जीने के लिए जान दे देता है, तब मर जाता है इतिहास, तब मर जाता है इतिहास। पुस्तकालय संग्रहालय धू धू जलने लगते हैं, खांसने लगता है साहित्य और कविता थूक के साथ खून उगलने लगती है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है कि हम सभी का संवेदनशील होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। कविता माथुर मैम थैंक यू, वीना मैम थैंक यू। अब अगली कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ मजदूर पे। लॉकडाउन के दिनों में मैंने जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था तो मजदूरों पे लिखा था। जिस तरह से मजदूरों को देखा हमने, उनकी दर्द तकलीफ़ देखी, हम तो बस लिखते रहे लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। तो आज मन में वो टीस है उनके लिए कि उन्हें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, तो आज भी मन में वो दर्द कहीं ना कहीं है। कविता का शीर्षक है इंसानियत दम तोड़ रही, मजदूर पर ही कविता है इंसानियत दम तोड़ रही, सुनिएगा। भारत का मजदूर जिसने सींचा अपने पसीने से भारत का पहिया, भारत का मजदूर जिसने सींचा अपने पसीने से भारत का पहिया, आज भटक रहा सड़कों पर तड़प रहा भूख से, चल रहा सैकड़ों मील पैदल सड़क पर थका मांदा, नहीं कोई ठोर ठिकाना। जिस मजदूर ने बदली भारत की तकदीर, जिस मजदूर ने बदली भारत की तकदीर, आज भटक रहा अंधेरों में तलाश रहा जिंदगी भूखा प्यासा, हाँ भारत का मजदूर। रह थक कर चल रहा मंजिल की ओर मगर हौसला नहीं छोड़ा, हाँ नहीं रही संवेदना नहीं कोई हमदर्द, पहुँचाए उन्हें कोई घर मंजिल की तरफ, मर रहे सब दोष एक दूसरे पर। इस बीच घुट गया सचमुच इंसानियत का दम,
इस बीच घुट गया सचमुच इंसानियत का गला। माँ बच्चों को गोदी में उठाए बढ़ा रही कदम घर की ओर। कितनी दूर और चलना होगा हमें पता नहीं, थक गए कदम पर हौसला नहीं हारा। मासूम बच्चों ने तोड़ा दम इन्हीं रास्तों पर। और कांप गई रूह ये सब देखकर, हाँ कांप गई रूह ये सब देखकर, मगर नहीं सुनी किसी ने उनकी करह। हाँ इंसानियत चलते चलते दम तोड़ दिया। छली गई माँ की ममता उनका दर्द, छली गई माँ की ममता उनका दर्द, बह गए आंसू बनकर उनकी आँखों से, पर पत्थर बन चलती रही निरंतर अपने गांव की ओर, चलती रही अपने गांव की ओर। देखो इन्हीं सड़कों पर इंसानियत दम तोड़ गई, पर इनके कदमों की आहट कहीं आत्मा को कचोट गई। हाँ इनके कदमों की आहट कहीं आत्मा को कचोट गई। थैंक यू वीना मैम, कविता मैम, और मैं कमेंट देख नहीं पा रही हूँ, और आप सभी का शुक्रिया। सावित्री मैम, देवीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साक्षी सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अब अगली कविता भी स्त्री पर ही लिखी है। निरंतर चलना होगा हमें, निरंतर चलना होगा। हाँ अब चलना होगा कुछ लीक से अलग हटकर, भीड़ के साथ भी चलना कोई चलना होता है। हाँ अब चलना होगा कुछ लीक से हटकर, भीड़ के साथ भी चलना कोई चलना होता है। नहीं होता भीड़ का कोई वजूद, नहीं होता भीड़ का कोई वजूद। हाँ भीड़ में धकेलते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने से बेहतर है भीड़ से दूर चलना, अलग चलना और अलग हटकर चलना। भीड़ से दूर चलना है तो चलो, चलना नहीं है समुदाय में और झुंडों में, चलना है तो अकेले। चलो मंजिल पर पहुँचोगे ज़रूर से, चलो मंजिल पर पहुँचोगे ज़रूर से और सराहे जाओगे। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सखी सिंह जी को भी मैं देख पा रही हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। सावित्री मैम, थैंक यू। वीना करमचंदानी मैम, आप खुद इतना अच्छा लिखती हैं और आपसे तो हमें इतना संबल मिलता है, और आपको हम हमेशा पढ़ते और सुनते रहते हैं। और कविता मैम इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं, तो कितनी बार इनसे मिलके हमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है कविता माथुर मैम से। एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। बिछड़ना तो रवायत है जिंदगी की, यहाँ कौन उम्र भर साथ देता है। बिछड़ना तो रवायत है जिंदगी की, यहाँ कौन उम्र भर साथ देता है। हर शख्स की अपनी एक मंजिल है, ता उम्र कौन हम सफर रहता है। हर शख्स की अपनी एक मंजिल है, ता उम्र कौन हम सफर रहता है। कोई एक कदम तो कोई दो कदम, कब तलक कोई साथ चलता है। कोई एक कदम तो कोई दो कदम, कब तलक कोई साथ चलता है। हाँ शेष है उम्मीद, हाँ शेष है उम्मीद तेरे लौट आने की, वरना कौन रोकर यूँ इंतज़ार करता है, वरना कौन रोकर यूँ इंतज़ार करता है। थैंक यू विजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप सभी जुड़ते जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अब अगली कविता है बरसात पर, बरखा पर मेरी अगली कविता है। कविता का शीर्षक है बरखा। बरखा सुहानी शीतलता छाए, मयूर पंख फैलाए, प्रकृति करे श्रृंगार, हाँ सावन की घटाएं। याद प्रियतम की आए, बूंद गिरे जब बरखा की, मन उल्लास से भर जाए। बूंद गिरे जब बरखा की,
मन उल्लास से भर जाए, हाँ बावरिया सी डोलूं, अंग थिरकता जाए, बावरिया सी डोलूं मैं, अंग थिरकता जाए, अम्बा की डाली पर सावन का झूला झूलूं, प्रिय संग को मन खुलावे, हाँ प्रिय संग को मन खुलावे, बागों में कोयल सुंदर गीत सुनाए, हाँ बागों में कोयल सुंदर गीत सुनाए, मन कोई प्रेम गीत गुनगुनाए, हाँ ये मन कोई प्रेम गीत गुनगुनाए, हिया में उमंग जगाए, बरखा मोरे आंगन बरसे, मोरा तन मन भीगा जाए, बरखा मोरे आंगन बरसे, मोरा तन मन भीगा जाए, याद पिया की आए, याद पिया की आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, निरंतर जुड़े हुए हैं मैम आप, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं संवाद करना चाहूँगी आपके साथ में, कविताएं तो मैंने सुना दी हैं, अब बाद में मैं करूँगी कविता का। आज मैं बात करूँगी, संवाद करूँगी हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, इसका महत्व, हम इसको कैसे देखते हैं, और हिंदी लेखिकाओं का महिलाओं को सशक्त करने में क्या योगदान रहा है। बात करूं तो मैं हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श, जिसमें नारी जीवन की हमें अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद काल से ही नारी विमर्श का जन्म माना जाता है। महादेवी वर्मा के काल से ही हम कहें तो स्त्री विमर्श की शुरुआत हुई है, और स्त्री के प्रश्न हाशिए के नहीं बल्कि जीवन के केंद्रीय प्रश्न हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में स्त्री मुद्दों को की लगातार उपेक्षा होती रही है। कहूँ तो सदियों से होते आए शोषण और दमन के प्रति स्त्री चेतना ने ही स्त्री विमर्श को जन्म दिया है। खुद स्त्री ने ही स्त्री विमर्श को, स्त्री चेतना ने स्त्री विमर्श को जन्म दिया है। और बात करूं तो स्त्री विमर्श की शुरुआत गूंज पश्चिम में देखने को मिली। 1960 के आसपास नारी सशक्तिकरण ने जोर पकड़ा। उषा प्रेवंदा, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी, शिवानी आदि लेखिकाओं ने नारी मन के अंतर्द्वंद्वों, उनकी आप बीती घटनाओं को उकेरना शुरू किया, और नारी की दिशाहीनता, दुविधाग्रस्तता और कुंठा का विश्लेषण किया। तो इन लेखिकाओं का ने बहुत नारी का एक है ना चित्र उनको खींचा कि उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। हिंदी कथा लेखिकाओं ने अपने लेखन में नारी मन के अनेक समस्याओं को विषय बनाया, जैसे अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट, कृष्णा सोपती का मित्रों मर जाने, मन्नू भंडारी आपका बंटी, चित्रा मुद्गल एक जमीन अपनी, ममता कालिया का बेघर, मृदुला गर्ग कठ गुलाब, मैत्री पुष्पा का जो रचना है चाक, एवं अलमा कबूतरी, पद्मा सचदेव अब न बनेगी दहरी, कुसुम अंचल का अपनी अपनी यात्रा, उषा प्रेमंदा का 55 खंभे, इसमें नारी संघर्ष को इतना संजीदगी से पेश किया है, बखूबी देखा जा सकता है। तो इन लेखिकाओं ने नारी की समस्याओं को बहुत ही मन से, मतलब उसको समझाया है कि किस तरह से नारी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा अपने काल में। और मेरा ये मानना है कि स्त्री, ये भी सच है कि स्त्री जब आत्मविश्वास के साथ चलती है, गैर समझौतावादी बन जाती है, तब परिवार व समाज के लिए वह कहीं ना कहीं चुनौती भी बन जाती है। तो स्त्री जब आत्मविश्वास के साथ चलती है, बोलती है, तो कहीं ना कहीं उसके लोग अगेंस्ट भी होने लगते हैं। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, और आजकल देखती हूँ कि फेसबुक पे महिलाएं कितनी सक्रिय, कितना अच्छा लिख रही हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो ये उनकी खूबी है। और घर को और बाहर को किस तरह से मैनेज करना है, बैलेंस बना के चलना है, परिवार को देखना है, एक केयरिंग कितनी है हर तरह से, तो कहीं ना कहीं औरत का एक नया रूप देखने को मिला है। अब महादेवी वर्मा की कविताओं में स्त्री की वेदना, नारी जागरण एवं मुक्ति का सवाल उठाया गया है। प्रेमचंद से लेकर राजेंद्र यादव तक अनेक पुरुषों ने स्त्री समस्या को उकेरा है, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में स्वयं महिलाओं ने लेखन किया है। जिस रूप में खुद महिलाएं लेखन कर रही हैं, वह बहुत ही अप्रतिम है और महत्वपूर्ण है। स्त्री का लिखना, स्त्री का खुद का लिखना, क्योंकि स्त्री जब लिखती है तो समाज का बदलना तय है, समाज बदलता है। स्त्री जब लिखती है तो समाज के, समुदाय की आंतरिक गतिशीलता का पता चलता है हमें।
और 1990 के बाद देखे तो स्त्री कविता का बहुत अलग से विकास हुआ है। बड़ी संख्या में स्त्रियों ने लिखना शुरू किया और अब अभिव्यक्ति का माध्यम तो आप सब जानते हैं कि बदल गया है। सोशल मीडिया, हम सभी महिलाएं कितनी एक्टिव हैं और आज इसी की बदौलत हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लाइव कर रहे हैं। और कोरोना महामारी के इस दौर में हम अभी जिंदा हैं, हम साहित्य सृजन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करना, जुड़े रहना। और बाहर की दुनिया को देखो, यहाँ देखो, तो हमें लगता है कि एक उम्मीद अभी बाकी है। हम उम्मीद देते हैं और हमारे अंदर उम्मीद जिंदा भी है, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और जब फेसबुक पर पहले जब मैं आई थी 2013 में, तो बहुत सी कविताएं, स्त्रियां कविताएं लिख रही थी, तो एक नया रूप देखने को मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुखर कविता जी, थैंक यू, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बड़ी क्रांति सच में। कविता मात्र आपने सही कहा, बिल्कुल। स्त्रियां चाहे अच्छा लिख रही हैं, खराब लिख रही हैं, स्त्री की करुणा पर लिख रही हैं, प्रेम पर लिख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लिख रही हैं, इससे ही काफ़ी कुछ बदल जाता है। और सामंतवादी नैतिकता को चुनौती दे रही हैं, स्त्री नई नैतिकता को गढ़ रही है। आज हम अगर स्त्री के संघर्ष व ताकत के बारे में लिख पाते हैं, तो उसका श्रेय भी स्त्री को ही जाता है। स्त्री ने अपने लेखन में, विचारों में वो परिस्थिति पैदा की है कि हम उसे स्वीकृति दे पा रहे हैं। और देखा जाए तो सही में स्त्री का संघर्ष अद्भुत है, और स्त्री ही जानती है कि किस तरह से वो निखर रही है, आगे बढ़ रही है उसका संघर्ष। और कई वास्तविक स्त्री है वो तो अदृश्य है, वो तो हमें पता ही नहीं है। गाँव में तो अभी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हमें पता नहीं है कि वहाँ पर स्त्री के साथ, किस स्त्री के साथ क्या हो रहा है, तो वो तो कह भी नहीं पाते हैं। आज हम लोग अपने एक दूसरे की मन की बात तो कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं कुछ गज़लों के शेर प्रस्तुत कर रही हूँ, अगर कुछ त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। प्रस्तुत है, जिस शख्स से वाबस्ता है सांसों का मुकद्दर, जिस शख्स से वाबस्ता है सांसों का मुकद्दर, तकदीर में वो शख्स लिखा क्यों नहीं होता। हाँ, तकदीर में वो शख्स लिखा क्यों नहीं होता। अगला, कुछ की आँखों में खटकता तो है, कुछ की आँखों में खटकता तो है, कुछ न कुछ उसमें भी अच्छा तो है। इश्क छुपाकर छुपता कब है, आखिर चर्चा कुछ तो होगा। हाँ, इश्क छुपाकर छुपता कब है, आखिर चर्चा कुछ तो होगा। अगला शेर है, देखिए, पानी किसी की आंखों का तुम्हें शायद नज़र न आएगा, पानी किसी की आंखों का तुम्हें शायद नज़र न आएगा, ना सोचो अगर कि सैलाब कभी तुम्हारे घर न आएगा, ना सोचो मगर कि सैलाब कभी तुम्हारे घर न आएगा। अगला शेर है प्रस्तुत, जिन चिरागों पर हवाओं का खतरा नहीं होता, मुनहासिर फकत उन पर तो अंधेरा नहीं होता। क्या खूब था वो दरिया जो बहता चला गया, एक हम ही थे जो खुद ही किनारे पे ना लगे। हाँ, एक हम ही थे जो खुद ही किनारे पे ना लगे। वह आए पास बैठे और मुस्कुरा के चल दिए, वह आए पास बैठे और मुस्कुरा के चल दिए, ऐसा लगा कि कहीं हमारा तमाशा बना के चल दिए। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया वीना मैम, कविता मैम, कविता मुखर मैम। वो ख्वाहिश वो जुनू तुम्हें पाने का, वो ख्वाहिश वो जुनू तुम्हें पाने का, आज भी दिल ने मेरे संभाल रखा है। हाँ, आज भी दिल ने मेरे संभाल रखा है, कुछ कुछ लिखा है, कोशिश करी है अभी मैंने कोरोना काल में। थैंक यू। अगली कविता भी है मोटिवेशनल, स्त्री पर है, चलती रहूंगी अकेली। चलती रहूंगी अकेली धुन में अपनी मंजिल की ओर, परवाह नहीं कांटों की, परवाह नहीं कांटों की, मेघ कितने छाए आकाश में, अस्तित्व न सितारों का मिटता, चाहे जो हो जाए नहीं फिक्र, अब चलती रहूंगी अकेली। बीतेगा जल्द ही पतझड़ का मौसम,
और आएगी बसंत बहार, बीतेगा जल्द ही पतझड़ का मौसम और आएगी बसंत बहार, हाँ चलती रहूंगी अकेली। अगली कविता का शीर्षक है सफर। सफर, हाँ जीवन का सफर नहीं समझ पाती, हाँ जीवन का सफर नहीं समझ पाती, मैं सफर में हूँ या सफर मुझ में है, नहीं समझ पाती हाँ सफर, मैं होती हूँ तो केवल मैं ही नहीं होती, एक सफर मेरे अंदर होता है, एक सफर मेरे अंदर भी चलता रहता है, मन में कई यात्राएं एक साथ चल रही होती है, मन में कई यात्राएं एक साथ चल रही होती है, जो लाती है अंतर्द्वंद मन में, जो लाती है अंतर्द्वंद मन में, हाँ सफर तो खत्म होता है पर मन के भीतर जो सफर है वो खत्म नहीं होता, मन के भीतर जो सफर है वो खत्म नहीं होता, हाँ हाँ जीवन का सफर मैं नहीं समझ पाती, हाँ जीवन का सफर मैं नहीं समझ पाती। थैंक यू सो मच वीना मैम, कविता मैम आप बने हुए हैं मेरे साथ, इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे वाकई बहुत संबल मिल रहा है। तो अब मैं वापस आपके साथ संवाद करना चाहूँगी स्त्री विमर्श पर, बात कर रही थी मैं स्त्रियों पर स्त्री की। तो विवेकानंद कहते हैं स्त्रियों की अवस्था को सुधारे बिना हम जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि पंछी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। तो विवेकानंद ने काफ़ी चिंता जाहिर करी थी उस समय भी स्त्रियों पर, और वो जागरूक थे स्त्री को आगे बढ़ाने में, स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए। और इसी के साथ सुशीला टाकमोरे के काव्य संग्रह स्वाति बूंद खारे मोती यह तुम भी जानो काफ़ी चर्चित हुए हैं, इनमें इनकी विद्रोहिणी कविता में आक्रोश की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो सुशीला टाकमोरे देखिए क्या लिखती हैं, माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा, परिवेश ने लंगड़ा बना दिया, हाँ चलती रही परिपाटी पर बैसाखियाँ चरमराती है, अधिक बोझ से अकुलाकर विस्कारित मन हुक्कारता है, अकुलाकर विस्कारित मन हुक्कारता है कि इन बैसाखियों को तोड़ दूँ। तो स्त्री तोड़ना चाहती है इन जंजीरों को, बेड़ियों को, आगे बढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो निकलकर अपने दायित्वों को भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि स्त्री संघर्ष वाकई में अद्भुत है। और हिंदी गद्यकार कवि रघुवीर सहाय जी ने नारी जीवन का वास्तविक चित्र खींचा है। तो उन्होंने अपने काव्य में स्वतंत्रता के बाद स्त्री जीवन के अनेक समस्याओं को विषय बनाया है। उन्होंने लिखा है, नारी बेचारी है पुरुष की मारी, तन से शोधित लपक कर झपक कर अंत में चित्त है। ये उन्होंने लिखा है उस समय की बात, लेकिन अब वर्तमान में तो स्थिति बहुत बदल गई है। आज की नारी सशक्त है, सबल है, आत्मनिर्भर है, वो खुद भी बढ़ रही है, परिवार को आगे बढ़ा रही है, समाज में जागरूक है, अपने कर्तव्यों को निभा रही है, तो एक बहुत बड़ी खूबी है। तो स्त्री विमर्श को हम हिंदी साहित्य में इस तरह से देखते हैं, और जैसे बहुत लेखिकाओं का योगदान रहा, बड़ी बड़ी लेखिकाएं आई, बड़ी छोटी सभी, हम सभी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, महिलाओं में एक आत्मविश्वास भर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो हिंदी कथा साहित्य में नारी विमर्श का दौर 8वीं दशक तक आते आते उसने आंदोलन का रूप ले लिया। ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, कुसुम अंचल, इंदु जैन, अलका सरावगी आदि लेखिकाओं ने नारी मन की गहराइयों का, अंतर्द्वंद्वों का अंकन बड़ी संजीदगी से किया। और मैं अभी तो नाम नहीं ले पा रही हूँ, कई नाम छूट भी गए हैं, तो इन लेखिकाओं ने महिला समस्या और उनकी अंतर्द्वंद्वों को बहुत संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया। लोगों ने जाना महिला संघर्ष को, और स्त्री दशा पर तो अनेक समाज सुधारकों ने चिंता व्यक्त की है, जिसमें नारी की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन भी आया है। रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज ने नारी शिक्षा पर जोर दिया। नारी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप उसकी अशिक्षा थी, और उसकी परतंत्रता का प्रमुख कारण उसकी आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं अभाव था। लेकिन आज जो नारी है वो आत्मनिर्भर बन चुकी है,
बन रही है, बेटियां पढ़ रही हैं, तो बहुत खूबी है। एक महिला गौरव है हमारे समाज का, हमारे देश का। बेटियां जमीन से आसमां तक अपना पहचान और अपने परचम फैला रही हैं, लहरा रही हैं, बहुत बड़ी बात है। स्त्री की दशा पर बहुत कुछ लिखा गया है और अभी हम लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं, लेकिन आज हालात बताते हैं कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, घर की चौहट से बाहर निकली हैं तो अपने दायित्वों को बखूबी निभा रही हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर जगह वो उनका हस्तक्षेप है। उसके बाद भी आखिर लड़ाई क्यों है? सवाल यह है कि वह पुरुष के भांति स्वतंत्रता चाहती है, इसलिए सत्ता का विरोध कर पारंपरिक बेड़ियों को तोड़ना चाहती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उर्मिला जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुखर कविता जी, थैंक यू सो मच। मुखर कविता जी से तो हमेशा मिलते रहते हैं तो मोटिवेशन मिलता रहता है। खुद इनके ख्यालात इतने अच्छे हैं कि प्रेरणा मिलती है इनकी व्यक्तित्व से। बात करूं अगर 20वीं शताब्दी की अंतिम दशक में, तो स्त्रीवादी विचार को पनपने का सुअवसर मिला। भूमंडलीकरण के अपने तमाम अच्छाइयों व बुराइयों के साथ सभी वर्ग की शिक्षित स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का अवसर मिला, और इसके परिणाम स्वरूप स्त्री अपने वर्जित क्षेत्रों में उसने ठोस दावेदारी करी। वर्जित क्षेत्रों में भी उसने बहुत ठोस दावेदारी करी और स्वावलंबन की दिशा में उसके प्रयास सामने आए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं स्त्री पर लिखती हूँ और स्त्री की बात करती हूँ, तो स्त्री के साथ खड़ा होना और उनकी बात सुनना बहुत अच्छा लगता है, और आप भी एक स्त्री के नाते मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि आप इतने अच्छे साथी फेसबुक पे जुड़े हैं मेरे साथ में। वीना मैम, मुखर कविता मैम, थैंक यू सो मच। वीना करम चांदानी मैम, आपका कमेंट आ रहा है बार बार, थैंक यू। अब मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री विमर्श स्त्री के प्रति होने वाले संघर्ष के खिलाफ संघर्ष है। स्त्री खुद की स्थिति के बारे में सोचने और निर्णय करने का विमर्श है। ये विमर्श स्त्री के खुद की स्थिति के बारे में सोचने और निर्णय करने का विमर्श है। और बात करें आज की नारी की, तो वो चेतनशील है, अच्छे और बुरे का ज्ञान है, सत्तात्मक व्यवस्था का बहिष्कार कर स्वच्छंद जीवन जीने को आतुर दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मर्यादा एक वो एक शालीनता हमेशा उसमें देखने को भी मिलती है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि वो मर्यादा बनाकर अपने आज़ादी को बनाकर चल रही है, आज़ाद भी है और अपने समाज से भी बंधी है, परिवार से भी बंधी है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, कहकर नारी को प्रताड़ना का पात्र समझा है। तो मैथिली चरण गुप्त ने अबला हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी कहकर नारी की स्थिति पर चिंता व्यक्त करी है इन सभी ने। और प्रसाद ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो सभी ने स्त्री पर बखूबी लिखा है, उनको समझा है, लेकिन अब स्थितियां बदली है, बहुत चेंज आया है। 8वीं दशक तक आते आते महिला लेखिकाओं की तो बाढ़ आ गई है, स्त्री विमर्श का डंका बज रहा है। प्रसिद्ध लेखिका सिमोन दे बोसार ने लिखा है कि स्त्री की स्थिति अधीनता की है और स्त्री सदियों से ठगी गई है, और यदि उसने कुछ स्वतंत्रता हासिल की है तो बस उतनी ही जितनी पुरुष ने अपनी सुविधा के लिए देनी चाहिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं बाद में दूंगी जवाब, आप सभी को अच्छे से रिप्लाई करूंगी। और नारी मुक्ति से जुड़े अनेक जो है प्रश्न, स्त्री की मनस्थिति का चित्रण अनेक स्तरों पर देखने को मिलता है। 60 के दशक और उसके संघर्ष का अधिकांश इतिहास जागरूक होती हुई स्त्री का अपना रचा हुआ इतिहास है। नगरों महानगरों में शिक्षित एवं नव चेतना युक्त स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया था जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्यक्षमता प्रभावित करने के लिए उत्सुक था। हाँ, तो आज मैंने स्त्री लेखन पर बात करी है, स्त्री पर लिखती हूँ, तब आप मुझे बताइएगा और मैं आपसे बात करूँगी, रिप्लाई दूंगी। अब एक कविता पढ़ देती हूँ बीच में, अभी समय है। कविता का शीर्षक है दर्पण।
हाँ आजकल दर्पण कहने लगा मुझसे, देखो आज भी मैं तो वो ही हूँ, तुम कैसे बदल गई। तुम खिलखिलाती हुई धूप, उगती हुई सूर्य की किरण, क्यों निशा संग ढल गई। तुम झूमती गाती लहलहाती फसलों जैसी, गिरती थी झरना बनकर, हाँ खत्म किया खुद को जब साकार में मिल गई। किस कदर जकड़ा जिम्मेदारियों ने, कौन थी कौन हो आज, उम्र कैसे बीत गई। उठ खड़ी हो अब तुम, हाँ उठ खड़ी हो अब तुम, खुद को सवार लो, नए ख्वाब बुनो, नए स्वप्न देखो। आईने की बात से दिल में हलचल मच गई। शुक्रिया दर्पण तुम्हारा, नया जीवन दिया। गिरने से पहले मैं संभल गई, हाँ मैं संभल गई। थैंक यू मुखर कविता जी, थैंक यू कविता माथुर मैम, वीना करमचंदानी मैम, आपका इतना जुड़े हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी नज़्म पढ़ती हूँ आपके लिए, अभी टाइम है। मेरे भावों में बस गए हो तुम, मेरे भावों में बस गए हो तुम, मेरा हर गीत तुमसे जुड़ा, तुमसे प्रीत लगाए बैठी हूँ, हाँ तुम्हें गले का हार बनाए बैठी हूँ। महसूस किया जब से तुमको, हाँ सुध-बुध खो बैठी हूँ। स्मृतियाँ बिखर रही मन में, हाँ उन्हें आँखों में संजाए बैठी हूँ, हाँ उन्हें आँखों में संजोए बैठी हूँ। उम्मीद की किरण जागी मन में, उम्मीद की किरण जागी मन में, चौखट पर नजरें लगाए बैठी हूँ। अब देर न करो तुम आ जाओ, हाँ अब देर न करो तुम आ जाओ, राहों में फूल सजाए बैठी हूँ। हर पल न सताओ तुम अब यूँ, आँखों में नीर बसाए बैठी हूँ। लौट आएंगी क्या बहारें भी, हाँ दिल को तसल्ली दे बैठी हूँ। लौट आएंगी क्या बहारें भी, हाँ अब मैं दिल को तसल्ली दे बैठी हूँ। रामकृष्ण गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अब एक कविता प्रेम पर लिखी है तो सुना देती हूँ, समय भी थोड़ा सा बचा है। कविता का शीर्षक है प्रेम। प्रेम में डूब जाओ तो रास्ता ही मंजिल हो जाता है, हाँ प्रेम में डूब जाओ तो रास्ता ही मंजिल हो जाता है। फूल तो फूल होते हैं, कांटों से भी प्यार हो जाता है। पत्थर भी प्रेम स्पर्श से, पत्थर भी प्रेम स्पर्श से पिघलकर मोम हो जाता है। भटका हुआ हो कोई मगर अगर मंजिल तक पहुंच जाता है, भटका हुआ हो कोई मगर वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो प्रेम की ताकत तो बहुत बड़ी है, प्रेम ही है जिसने हम सभी को बचाए रखा है और ये दुनिया आज टिकी हुई है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रेम के बलबूते पर ही। और आप सभी का प्रेम तो मुझे मिलता ही रहता है। एक कविता बरसात पर, एक कविता और छोटी सी, हाँ बरसात। बरसात एक राह है प्रियतम के हिये तक जाने की, बरसता हुआ पानी बहता है और जीवन में घुलता है प्रेम की भांति। एक उत्साह लिए, हाँ बारिश में शरीर से ज़्यादा मन भीगता है, निर्मल होता है बरसात का पानी, कर देता है मन को पावन। हाँ इस बारिश में भीगते हैं पंछी देर तक, बारिश की बूंदों में सुनती हूँ मैं दिल की धड़कन। हाँ एक दस्तक, हाँ इस बारिश में बैठती हूँ खिड़की पर, झांकती हूँ बाहर और देखती हूँ बहुत से सपने चमकती आँखों से, उम्मीद से, कुछ ख्वाब एहसास जज्बात, हाँ लाती है बारिश अपने संग, हाँ लाती है बारिश अपने संग। तो देखिए बारिश आती है तो कितनी खुशियाँ लेकर आती है अपने संग, लेकिन अभी तो बारिश है नहीं, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, लेकिन कविता लिखी तो वो सुनानी चाहती थी आपको। और अब मैं थोड़ा सा, 2 मिनट का समय बचा है, स्त्री विमर्श पर कुछ कहना चाहती हूँ। इस ज़रूरी है हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श के नए आयाम की तलाश। कला साहित्य के हर विचाराधात्मक संघर्ष के पीछे अपने समय और समाज के परिवर्तनों को भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श के मायने क्या हैं? साहित्य जिसमें कहानी, आलोचना, कविता, वह स्त्री दलित या अन्य हाशिए के विमर्शों को किस रूप में चित्रित करता है? साहित्य अपने यथार्थवादी होने के दावे के बावजूद क्या स्त्री विमर्श की मूल अवधारणाओं को
रेखांकित कर इस पर आमजन के बीच किसी किस्म की संवेदना को विकसित करना पाने में सफल हुआ है क्या? ये एक बहुत बड़ी बात है। तो स्त्री विमर्श तो हमेशा चलता रहेगा और ये प्रश्न है, केंद्रीय प्रश्न है स्त्री विमर्श के, हिंदी साहित्य हो, जीवन में हो, तो स्त्री हमेषा एक आधार है सृष्टि का। तो और समय हो गया है, कविता माथुर, वीना मैम, कविता मुखर मैम, रामकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ समय हो गया है और अब ये संवाद और काव्य गोष्ठी का मैं समापन करती हूँ। और देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।